ये थ्योरम देखो हमारे पास क्या है, अ फंक्शन फाई इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिस सेटिस्फाइंग दिस। ठीक है, एक फंक्शन फाई है जो क्या है, सॉल्यूशन है इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का, इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन दिस। हमें क्या बताना है, देखो अगर फाई सॉल्यूशन होगा इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का तो पक्का फाई सॉल्यूशन होना चाहिए इस इंटीग्रल इक्वेशन का। ठीक है, एक बार तो हम ये वाली चीज़ शो करेंगे, एक बार क्या करेंगे कि फाई को हम इस इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन मानकर चलेंगे और दिखाएंगे कि फाई अगर इस इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन बन रहा है तो वो इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, मतलब अगर फाई इसका सॉल्यूशन है तो इसका भी सॉल्यूशन होगा, अगर फाई इसका सॉल्यूशन है तो इसका सॉल्यूशन भी होगा। ठीक है, अब देखो सपोज सबसे पहले हमने मान लिया कि फाई इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अगर फाई इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है किसी इंटरवल ओपन इंटरवल जे के ऊपर तो क्या होगा कि फाई से सेटिस्फाई करेगा। मीन्स जब हम वाई की जगह फाई रखेंगे तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। मीन्स डी फाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू एफ टी कोमा फाई ऑफ टी ऑन इंटरवल जे। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फाई डैश टी इज इक्वल्स टू एफ टी फाई टी ऑन जे। हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई। अब हम इसका सॉल्यूशन मान के चले हैं और हमें इसका सॉल्यूशन दिखाना है, सॉरी इसका सॉल्यूशन मान के चले हैं, हमें इसका सॉल्यूशन दिखाना है, तो क्या करेंगे इसके दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, टी नॉट से लेके टी तक। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन इक्वेशन थर्ड ओवर द रेंज फ्रॉम टी नॉट टू टी, हमारे पास वहाँ पे क्या आ गया था, एक मिनट, हमारे पास वहाँ लास्ट जो आया था हमने इसका इंटीग्रेशन करना, हमारे पास आ गया था फाई डैश टी इज इक्वल्स टू एफ टी फाई ऑफ टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम टी नॉट से टी तक, तो इसका जब करेंगे तो फाई डैश डेरिवेटिव तो कैंसिल हो जाएगा, फाई ऑफ टी बचेगा, अपर लिमिट पुट करेंगे फाई टी और लोअर लिमिट पुट करेंगे फाई ऑफ टी नॉट आ जाएगा, इज इक्वल्स टू टी नॉट टू टी एफ। अब हमने क्या किया, अंदर वाले वेरिएबल को चेंज कर दिया क्योंकि टी हमारे पास लिमिट में आ गया था, तो हमने टी की जगह एस रख दिया, तो एस फाई ऑफ एस डी एस। ठीक है, अब देखो फाई ऑफ टी माइनस फाई ऑफ टी नॉट ये आ गया। अब हमने क्या किया कि फाई ऑफ टी नॉट की जगह वाई नॉट रख दिया। अब ये कैसे रख दिया, क्योंकि जो फाई था वो सोल्यूशन था किसका, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का, और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के साथ हमें एक कंडीशन गिवन थी वाई ऑफ टी नॉट इज इक्वल्स टू वाई नॉट। ठीक है, अगर फाई उसका सोल्यूशन है तो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, इट मीन्स फाई ऑफ टी नॉट की वैल्यू क्या आएगी, वाई नॉट आएगी। तो यहाँ से हमने फाई ऑफ टी नॉट की वैल्यू को वाई नॉट रख दिया और उसे जब राइट साइड में ले जाएंगे तो वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि हमें जो फाई है वो जो इंटेग्रल इक्वेशन थी ना सेकेंड, उसको सेटिस्फाई कर रहा है। वहाँ पे जब हम y की जगह फाई को पुट करेंगे तो हमारे पास यही वाली इक्वेशन आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फाई है वो सोल्यूशन बन गया किसका, इक्वेशन नंबर सेकंड का। अब हम मान के चलेंगे कि सपोज फाई इज़ अ सोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन सेकंड, और क्या दिखाएंगे कि जो फाई है अगर इंटीग्रल इक्वेशन सेकंड का सोल्यूशन बन रहा है तो फाई डिफरेंशियल इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम फर्स्ट का भी सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो सपोज कर लिया फाई इज अ सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन सेकंड, अगर फाई इंटीग्रल इक्वेशन सेकंड का सॉल्यूशन है तो फाई इसको सेटिस्फाई करेगा, तो वाई की जगह जब हम फाई पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फाई ऑफ टी इज इक्वल्स टू वाई नॉट टी नॉट टू टी एफ एस फाई ऑफ एस डी एस। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास। अब हमने क्या किया, टी की जगह टी नॉट पुट कर दिया, जब हम टी की जगह टी नॉट पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो लिमिट है फाई ऑफ टी नॉट लेफ्ट में बनेगा फाई ऑफ टी नॉट इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस टी नॉट टू टी टी नॉट सेम आ जाएंगे, तो ये वाला पोर्शन क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन वाला, जीरो। हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई ऑफ टी नॉट इज इक्वल्स टू वाई नॉट। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, जो फाई फंक्शन है वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की जो कंडीशन गिवन थी हमारे पास उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब कंडीशन तो सेटिस्फाई हमने करा दी, अब हमें दिखाना है कि वो उस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को भी सेटिस्फाई करें। तो हमने क्या किया, हमारे पास ये वाली चीज़ थी, ठीक है, दोनों तरफ क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, लेफ्ट में क्या बन जाएगा, डी डी बाई डी टी फाई ऑफ टी इज इक्वल्स टू वाई नॉट, एक कॉन्स्टेंट है इसका डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा, प्लस डी बाई डी टी इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन है, बाहर डेरिवेटिव है, तो यहाँ पर हम कौन सा रूल लगाएंगे, लेबनिज रूल। ठीक है, लेबनिज रूल में क्या होता है कि जो डेरिवेटिव होता है डी बाई डी टी वो अंदर जाकर
कर्ल में चेंज हो जाएगा, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगा। इंटीग्रेशन टी नोट टू टी जब अंदर जाएगा तो पार्शियल डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगा, मतलब कर्ल बाय कर्ल टी एफ ओफ एस फाई एस डी एस। प्लस में क्या आता है टी, जो ये अपर लिमिट होती है ना, हम क्या करते हैं जहाँ अंदर एस की जगह हम क्या पुट कर देंगे, इसकी अपर लिमिट पुट कर देंगे एस की जगह, ठीक है। और डेरिवेटिव क्या होगा, डी ऑफ डी एस है ना, बाहर डेरिवेटिव हो जाएगा साथ में इसके टी का, ठीक है। एफ ऑफ टी फाई ऑफ टी डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। अब माइनस ऑफ, अब क्या करेंगे, एस की जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे टी नोट, तो एफ टी नोट फाई ऑफ टी नोट साथ में डेरिवेटिव ऑफ टी नोट विद रिस्पेक्ट टू टी। अब देखो इसका जब टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, अंदर तो टी है ही नहीं, तो ये वाली चीज़ बन जाएगी ज़ीरो। प्लस ये वाली चीज़ क्या बनेगी इसका, जब देखो जब टी का हम टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो वन आएगा, तो ये वाली चीज़ बन गई वन, और यहाँ पे क्या बच गया, एफ ऑफ टी फाई ऑफ टी, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर जब टी नोट कोई कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट टर्म का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ज़ीरो। तो लास्ट वाली टर्म भी हमारे पास क्या बन गई, ज़ीरो बन गई। तो हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट में हमारे पास ये चल रहा था, इसको हम फाई डैश टी भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ गया फाई डैश टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी फाई ऑफ टी, ठीक है। और ये मतलब क्या हो गया, यहाँ से, यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि जो फाई है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, साथ में कंडीशन भी हमने सेटिस्फाई करवा दी थी। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो फाई है वो सोल्यूशन बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। और ये कब हुआ, जब हम इसको इंटीग्रल इक्वेशन का सोल्यूशन मानकर चले थे, ठीक है। एक बार लेबनीज़ रूल यहाँ से देख लो, इसमें साफ लिखा हुआ है, इफ़ ए अल्फा एंड बी अल्फा आर कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ अल्फा, देन इसका जो डेरिवेटिव होगा क्या होगा। देखो इंटीग्रेशन है ना, यहाँ पर वो जो लिमिट है वो ए अल्फा बी अल्फा मीन्स फंक्शन है किसके, अल्फा के, और डेरिवेटिव भी किसके रिस्पेक्ट में करना है, हमें अल्फा के रिस्पेक्ट में करना है। और ये हमारे पास फंक्शन है जिसका हमें डेरिवेटिव करना है, ठीक है, इस पूरे का। तो पहले तो क्या होगा, जो ये टोटल डेरिवेटिव है ना, मतलब ये क्या हो जाएगा, कर्ल पार्शियल में बदल जाएगा, ठीक है। ए टू बी कर्ल बाय कर्ल अल्फा एफ ऑफ एक्स अल्फा डी एक्स, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे अंदर, अपर लिमिट क्या है, बी ऑफ अल्फा, तो एक्स की जगह हम अपर लिमिट पुट करेंगे, साथ में अपर लिमिट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फा करेंगे, तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। फिर क्या होगा, माइनस ऑफ एफ, एक्स की जगह हम लोअर लिमिट पुट करेंगे और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फा करेंगे। ये होता है हमारे पास लेबनीज़ रूल, और इसी का यूज़ हमने यहाँ पर किया था, ठीक है।